जय हिंद। मैं एथलीट ओपी जायसवाल, मैराथन मीट रिकॉर्ड होल्डर, शॉर्ट फुट रिले, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर। आज आपको बताना चाहूँगा कि जो अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। अब 15 दिन मात्र बचे हैं, 15 दिन में सावधानी पूर्वक वर्कआउट करें। इंडोरेंस के साथ साथ स्पीड वर्क पर अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पीड वर्क उतना ही करें जिस हिसाब से आपका कोच इंडोरेंस रख रखा है। कोशिश करें सुबेरे के टाइम ज़्यादा इंडोरेंस वर्कआउट करें और शाम के टाइम स्पीड वर्कआउट करें या फिर रेस्ट करें। कम से कम सुबेरे का वर्कआउट 14 से 15 किलोमीटर मिनिमम होना चाहिए। 14 से 15 किलोमीटर आपका मिनिमम वर्कआउट होगा तभी जाकर के आपका 1600 मीटर रनिंग अच्छे से हो पाएगी। हमेशा मिडिल डिस्टेंस जैसे 1600 मीटर है, वर्कआउट का 3 गुना करना चाहिए। 16:48 वर्कआउट पेस में होना चाहिए या 16:48 मिनट का वर्कआउट होना चाहिए। आपको इतना पेस में करना है तब जाके 1600 मीटर की आपकी रनिंग अच्छी तरह से अचीव हो पाएगी। चाहूंगा कि जो सुबह से शाम तक का कैसा शेड्यूल रखना है, सबसे पहले तो हमें सो के उठना है, गर्म पानी पिए, उसके बाद थोड़ा सा प्रोटीन या जूस या दूध या फ्रूट या ड्राई फ्रूट, आप अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा सा 50 ग्राम या 100 ग्राम तक लेकर फिर उसके बाद ग्राउंड के लिए निकले। मौसम के अनुसार जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, इसके अनुसार आपको वर्कआउट क्रमशः धीरे धीरे बढ़ते क्रम में जाने दें। बॉडी जब वार्म अप हो जाए उसके बाद धीरे से अपने पेस में आए। जैसे बॉडी पेस में आ जाती है धीरे धीरे क्रमशः 100% एफर्ट डालते हुए फिनिश करें। उसके तत्काल बाद, वर्कआउट के तत्काल बाद कम से कम 1 लीटर पानी इलेक्ट्रोलाइट आपको पीना है या जूस पीना है। उसके बाद फ्रूट्स लेना है, फ्रूट्स में पपीता, केले, अनार, चीकू, जो आपके पास कीवी जो उपलब्ध हो जाए वो लेना है। दूध बादाम भी लिया जा सकता है, बशर्ते ध्यान रखें कि डाइट वही ले जो आसानी से पच जाए। दिन भर में पानी का शेड्यूल बना के रखें कि कम से कम आपको 5 लीटर पानी पीना ही है। अगर आप सवेरे 2 घंटे का वर्कआउट करते हैं तो कम से कम 10 घंटे का रेस्ट होना चाहिए। बॉडी को रिकवर भी होने देना चाहिए जिससे मसल्स रिलैक्स होकर अगले दिन अच्छी तरह से वर्क में चल पाए। कोशिश करें कि रात में ज़्यादा से ज़्यादा नींद लें। जो डाइट ले रहे हैं सलाद ज़्यादा से ज़्यादा लें, जो खाना खा रहे हैं खाने में अंकुरित अनाज लें। पहले कोशिश करें खाना खाने से पहले कि हम फ्रूट्स ले लें या सलाद ले लें या फिर अंकुरित अनाज ले लें, खाना उसके बाद खाएं। कोशिश करें कि प्रतिदिन मालिश करें। आप जब जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ में वहाँ पर जाएं, क्योंकि आपके मन के जीते जीत मन के हारे हार। रनिंग का ट्रैक एक ऐसा ट्रैक होता है, कंपटीशन के दौरान एक समय ऐसा लगता है कि हम ट्रैक को छोड़ दें, हमसे नहीं हो पाएगा, मगर उस समय अपने आप को जीत के रखना है तभी आप ग्राउंड को जीत पाएंगे। हमारे बच्चे ढेर सारी
शुभकामनाएं आप सबको, आप बिल्कुल अचीव करके आओगे, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर गरीब असहाय ग्रामीण अंचल से आने वाले बच्चे जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते, कोच को अफोर्ड नहीं कर पाते, आइए इंदौर में निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर ओपी जायसवाल को एक बार नर सेवा नारायण सेवा का मौका दीजिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी के रूप में एक उत्कृष्ट धावक सुनील गौड़, जो एकलव्य अवार्डी हैं, अंडर 18 में उनका 5 किलोमीटर और 1500 मीटर का नेशनल मीट रिकॉर्ड जो आज तक ब्रेक नहीं हुआ, ऐसे अनुभवी टीचरों के द्वारा प्रशिक्षण देकर मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा और आपके जीवन में कुछ नई रोशनियां लाना चाहूंगा, आपके जीवन में एक छोटी सी मुस्कान देना चाहूंगा, यही मेरे जीवन का एक सार्थक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।